हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही नायाब नुस्खा बताने जा रही हूँ। बहुत सारी तकलीफों को ये दूर करता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, यानी कि हो सकता है 8 से 9 मिनट की हो, लेकिन ये 8 से 9 मिनट काफी फायदेमंद होंगे। काफी अच्छी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, दही हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है, तो इसको कोई भी खास घरेलू नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर की बहुत सारी तकलीफों को दूर करता है। इस दही को हम सर्दी है, गर्मी है, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को दे सकते हैं, बीमारी दूर होती है। हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, उनके घुटनों के अंदर ग्रीस नहीं बन पाती, उठते बैठते उनको दर्द होता रहता है। तो अगर आप इन बीजों का पाउडर अगर आप दही के अंदर खाना शुरू कर देंगे तो इसकी तासीर का असर हमारे शरीर पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में ये हमारे शरीर में एनर्जी भर देता है। ये दोस्तों एक मल्टी विटामिन की गोली की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, पावर स्टेमिना को बढ़ा देता है। लंबे समय से आपके परिवार में किसी न किसी को कोई तकलीफ चल रही है तो उनको ये देना आज से शुरू कर दीजिए। ज्यादातर हमारे परिवारों के अंदर देखा गया है कि कैल्शियम की कमी के साथ साथ एक और चीज की कमी होती है, वो है विटामिन ई की कमी। तो ये नुस्खा अगर आप दही के साथ करेंगे तो ये विटामिन ई की कमी को भी पूरा कर देगा। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन आम सी समस्या है। जैसे सबसे बड़ी समस्या कार्टिलेज का डैमेज होना, इसके लिए सर्जरी की जाती है, ये भी बहुत ही बड़ी तकलीफ है। ग्रीस खत्म हो जाना, जिसके बाद आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों से कटकट की आवाज आती है, उठते बैठते सारे शरीर में दर्द होता है, हाई बीपी की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। देखा गया है कि बुजुर्गों के अंदर हाई बीपी की समस्या ये भी विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। तो विटामिन ई की कमी हम इस नुस्खे से पूरी करेंगे। और इसके और क्या क्या फायदे हैं इस नुस्खे से। अगला फायदा है डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज वालों के साथ क्या होता है कि उनकी नसें कमजोर होने लगती हैं। तो अगर नसें बच्चों की भी कमजोर हो जाए तो उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। देखा गया है कि हम बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां खिलाते हैं, लेकिन ये नुस्खा अगर आप दही के साथ सेवन कराते हैं तो याददाश्त बढ़ने लगेगी, नसों के अंदर ताकत भर जाएगी। इसके अलावा इस नुस्खे के सेवन से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, ब्लॉकेज नहीं आएगी आपकी नसों में कहीं भी, हार्ट आपका हेल्दी रहेगा। क्योंकि विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये बीमारियां आ जाती हैं, जॉइंट जो है वो उसमें ढीलापन सा आ जाता है, लचक पड़ जाती है। छोटी सी उम्र में भी ये बीमारियां जकड़ लेती हैं। 40 पार करने के बाद तो ज्यादातर लोगों को घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। अब 40 की उम्र के लोग अगर घुटने और जोड़ों के दर्द रह रहा है या जॉइंट पेन की समस्या हो चुकी है तो उनके लिए तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है। एक सबसे बड़ी तकलीफ आजकल जो लोगों में आ रही है वो है नंबनेस, विटामिन ई की कमी की वजह से ही होती है। आपको पता ही होगा कि विटामिन ई हमारी नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है इस नुस्खे के द्वारा। यानी कि सुनपन अगर चल रहा है तो आपकी नसों में जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, मेमोरी भी बहुत वीक पड़ जाती है, तो इस नुस्खे से मेमोरी शार्प हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और स्ट्रेस माइंड पर पड़ता है, विटामिन ई की कमी पहले ही हो तो आंखों की देखने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है, आंखें बहुत मोटे मोटे से चश्मे बच्चों में लग जाते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल होना भी विटामिन ई की कमी का एक लक्षण है, तो इस नुस्खे के द्वारा ये समस्याएं भी दूर हो जाती है। विटामिन ई की कमी से आपके नाखून बहुत जल्दी टूटने लगेंगे, बहुत रफ से रूखे से होने लगेंगे, यानी कि बिना नेल कटर से ऐसे ही किसी चीज से टकराए और टूट गए। तो दोस्तों, ये पावरफुल नुस्खा आपने घर पर तैयार करना है। इस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है, पहले ही दिन से स्टैमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, आप इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अब जानते हैं कि ये रेमेडी कौन सी है जो विटामिन ई की कमी को पूरा करेगी, कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगी। दोस्तों, वो चीज है अलसी। अलसी के अंदर दोस्तों विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप एक कटोरी दही ले लीजिए। मात्रा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप रोजाना दही खाते हैं, दही वैसे ही खानी है। दोस्तों, आपने क्या करना है, एक कटोरी दही ले ली, उसके अंदर आपने इस पाउडर को मिक्स कर देना है। कितनी मात्रा में मिक्स करना है, सिंपल सा मेथड है। आपने एक कटोरी के अंदर आधा चम्मच
अलसी जो होती है ना, अलसी, उसको पहले सेक लीजिए, किसी भी पैन में बर्तन में डालकर सेक लीजिए, उसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए, पाउडर बना लीजिए। गरम गरम का पाउडर बनाएंगे तो बनेगा नहीं और नमी बीच में रह जाती है। गरम गरम का पाउडर बनाया जाए क्योंकि नमी जो है वो ऊपर आ जाती है, बीजों के ऊपर दिखती नहीं है, गीला नहीं दिखते बीज, लेकिन जब हम उसे रोस्ट करते हैं तो हल्का सा ड्राइनेस उस ऊपर आ जाती है। जब आप इसे सुखा लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, दोस्तों ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसका पाउडर तैयार कर लीजिए, आधा चम्मच अलसी का पाउडर 1 कटोरी दही के अंदर डालकर आपने सेवन करना है। इसके अंदर आपने 2 चुटकी काला नमक डाल देना है। काले नमक के अंदर फास्फोरस होता है, आपके ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, आपकी जॉइंट है जोड़ों के अंदर जो दर्द रहता है वो दूर हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे शरीर में से आम वात, जिसे वाई का दर्द कहते हैं, उसको बाहर करता है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। आप देखते हैं कि काम करने के बाद कमर दर्द महिलाओं में हो ही जाता है, हाथों की उंगलियों में दर्द, अर्थराइटिस, ये नुस्खा उनके दर्द को आराम पहुंचाएगा। दूसरी चीज है, अलसी के बीजों के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब आप इसे खाना शुरू करेंगे तो फाइबर क्या करता है, आपकी आंतों को और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, यानी आंतों को रिलैक्स करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को ठीक करता है। आपको पता है कि अगर आपका पेट सही से साफ नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो टॉक्सिन्स निकालने का काम, कब्ज को दूर करने का काम, इसके साथ ही साथ शुगर में आपको ये बहुत लाभ देगा, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। तो ये सेवन आप रोजाना ऐसे ही कीजिए, दोपहर के टाइम आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों इसका सेवन करने से बच्चे सेहतमंद होने लगेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के अंदर आपने देखा होगा, अक्सर हम बातें सुनते हैं कि उनके घुटनों में दर्द होता है, कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। दूसरी चीज इन अलसी के अंदर पाई जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 सेल्स के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, तो विटामिन ई की कमी हो जाए तो ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता, किताबें खोल ही नींद आनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही नसों के अंदर सुनपन आकर जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में सर्वाइकल की वजह से सुनपन पूरी पूरी बॉडी में आने लगता है, कुछ लोगों के हाथ पैरों में सुनपन आने लगता है, सेल्स फंक्शंस सही तरीके से नहीं हो पाते। तो दोस्तों अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का आप सेवन करते हैं, यानी अलसी का सेवन करते हैं, तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी दोस्तों होता क्या है, आपकी कहीं भी सूजन चल रही है, घुटनों में सूजन है या फिर आपकी बॉडी में मसल्स में कहीं भी सूजन है, कमर में सूजन है, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को दूर करने का काम करता है। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो हमने डिस्कस किया है, सारे सिस्टम जोड़ों के अंदर कार्टिलेज डैमेज होना, ग्रीस खत्म हो जाना घुटनों के अंदर, या फिर जोड़ों के अंदर दर्द रहना, बैठने पर उठने पर तकलीफ होना, घुटनों से कटकट की आवाज आना, जोड़ों से आवाज आना, मोटापा, ब्लॉकेज या सुनपन, जिनको चश्मा लगा हुआ है, बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो ये सारा का सारा विटामिन ई अगर आपके अंदर पूरा है तो ये समस्याएं नहीं आ सकती, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये समस्याएं आती हैं। तो अलसी के अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मौजूद है। इसका फायदा क्या मिलेगा, आपका ब्रेन जो है वो थकावट महसूस नहीं करेगा, बुजुर्गों के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और अलसी का रोजाना इसी तरीके से बहुत साधारण से तरीके से सेवन करते हैं तो ये हार्ट की बीमारी को ठीक करता है, मसल पेन ठीक होने लगा, मांसपेशियों के अंदर ताकत आ जाती है। महिलाओं के अंदर अक्सर कहीं ना कहीं दर्द चलता ही रहता है, तो अगर अलसी का रोजाना सेवन किया जाए तो ये तकलीफ दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात, तो अब जैसे सर्दियां आने वाली हैं, तो अगर आप अपने आप को वायरस बैक्टीरिया से बचाकर रखना चाहते हैं, सर्दी जुखाम से बचाकर रखना चाहते हैं, कफ से बचाकर रखना चाहते हैं, तो रोजाना इसी तरीके से आपको दही और अलसी का सेवन करना है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर किसी इंसान के नाखून बहुत जल्दी टूटते हैं, फंगल है, तो भी उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसका लास्ट फायदा मैं सबसे बड़ा क्या कहने वाली हूँ दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन सी अलसी के अंदर काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, पेट की गंदगी को बाहर करता है, साथ ही साथ शरीर में जमा हुआ यूरिक एसिड वो भी शरीर से बाहर हो जाता है, न्यूट्रिशन मिलने लगता है, स्टैमिना बढ़ जाता है। ये अलसी बहुत ही फायदेमंद है, वेरिकोज वेन की समस्या को ये दूर करती है, जो एथलेटिक बॉडी बनाने के लिए, स्टैमिना बनाने के लिए, उनको तो रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए ताकि इनके अंदर स्टैमिना बढ़े। जो महिलाएं भी वर्कआउट करती हैं उनको भी रोजाना लेना चाहिए, और जिन महिलाओं की उम्र 35-40 से ऊपर जा रही है उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है।
बाकी सभी उम्र के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो आप इनका सेवन दही में डालकर और जब ज्यादा सर्दी बढ़ जाएगी तो आप इनकी पिन्नी या लड्डू बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां कोसों दूर रहें। एक्सरसाइज योगा कीजिए, रोजाना 30 मिनट की वॉक कीजिए। रोजाना आपने खाना खाने के बाद फिक्स कर लेना है कि 30 मिनट की वॉक करनी ही करनी है, 9 बजे तक रात का खाना खा ही लेना है ताकि नींद भी अच्छे से आए। जब हम थोड़ा सा थक जाते हैं तो नींद अच्छे से आती है, वॉक करिए। और दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों को हम अपनी बॉडी से अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। जो आपने अपना समय दिया है उसकी आपको फायदा मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।